बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। आपने देखा खाबे चल रहे हैं, जैसे कि लाहौर की पहचान है, लेकिन लाहौर के हवाले से कल एक होशरुबा हकीकत सबके सामने आई है, जो है 6,70,800 का फिगर। अब ये 6,70,800 का फिगर ये है कि जो कल की रिपोर्ट आई है मंजरे आम पर, उसमें ये कहा गया है कि लाहौर में 6,70,800 कोरोना के मरीज़ हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि बाज़ारों की सूरत हाल क्या है। यहाँ पर नन्ही परी जो है वो आइसक्रीम खा रही है बग़ैर मास्क के। हम किसी की प्राइवेसी नहीं ब्रीच करेंगे, लेकिन ये लोग हो सकते हैं कोरोना के ए सिम्टोमेटिक, वो जो वायरस को कैरी करता है और दूसरे शख्स तक फैला देता है। कल की होशरुबा रिपोर्ट जो है वो इसी के हिसाब से थी। आज बाज़ारों की सूरत हाल कुछ इस तरह से कि आइसक्रीम भी मिल रही है, भटूरे भी मिल रहे हैं, यहाँ पर ख़रीदारों का रश भी है और कोरोना भी साथ साथ चल रहा है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं कि क्या वो कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं या नहीं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आपको लगता है कोरोना है? बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हमारी फैमिली में भी काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हुई, उनकी रिपोर्ट्स भी करवाई हैं। कोरोना का तो कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। हाँ जी, जिनकी तबीयत ख़राब हुई उनको क्या था? उनको बस यही नॉर्मली बुखार, ये मौसम चेंज होने की वजह से, वरना कोरोना तो बिल्कुल भी नहीं। और कोई संजीदा बीमार भी नहीं हुआ, सीरियस बीमार? खांसी, बुखार, नज़ला, ये सब कुछ पहले भी था, आज भी है ऐसे ही। लेकिन वो कोरोना आपको नहीं लगता? वो हमें नहीं लगता। बाजार आते वक्त क्या क्या आप एहतियात करती हैं? बाजार आते अभी हमने मास्क पहना हुआ था बस, लेकिन अभी उतार दिया। हाँ, मास्क बस यही है। और चले, ये इनका अपना ओपिनियन था, मेरा ओपिनियन नहीं था। आइए कुछ सेल्समैन से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बाजारों में आने वाले कैसा रवैया रख रहे हैं आजकल? जी सही रवैया, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। मास्क पहन रहे हैं? पहन रहे हैं, लोग पहन रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं। काफ़ी अवेयरनेस मिल रही है, मीडिया के जरिए भी अवेयरनेस मिल रही है। अगर वो कोई बंदा अगर एहतियात नहीं करता, मामला करता, तो फिर आपके सामने पूरी दुनिया में ये वबा है, अल्लाह ताला इससे हमसे उठाए। आपकी जाती राय क्या है, कोरोना है? कोरोना है। वैसे आपको कैसे मालूम पड़ा? अभी आपसे पहले तीन खवातीन ने मुझे मना कर दिया कि कोरोना नहीं है और वो इमरान खान साहब की कोई साजिश है। आपको कैसे लगता है कि कोरोना है? देखिए जी, मीडिया पे देखे, हॉस्पिटलों में बता रहे हैं जो हालात हैं, हमने खुद एक दो जनाजे ऐसे पड़े हैं, ठीक है। दूसरी बात है, ये सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो फैलाई जा रही हैं कि मकसद कोरोना नहीं है, ठीक है ना। इससे चाहे इमरान खान होता या कोई और हुक्मरान होता, कोरोना अगर है तो ये इतना इमरान खान को रोक सकता है ना, कोई और हुक्मरान रोक सकता है। इससे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला इसे हमसे उठा ले। आपने अभी जिक्र किया कि आपने कुछ ऐसे जनाजे पड़े हैं, जरा वो भी बयान कर दें क्या था वो। जी ऐसे ही दो साहब बाद में गए हैं, हमने देखा वहाँ पे, पता चला इनकी फैमिली में कोरोना था, वहाँ पे भी छुपाया गया कि नहीं जी कोरोना नहीं था, लेकिन कोरोना था। तो इसमें वबा ऐसी है कि लोग इससे काफ़ी डर चुके हैं, जो चीज़ को समझते हैं, जो नहीं समझते वो उनकी बेवकूफ़ी है, कम अकली है। चले, गुड मैसेज, अच्छा पैगाम आपने दिया है। कोरोना है? है। आप उनमें से हैं जो कि इसको मान रहे हैं, कुछ उनमें से भी हैं जो इसको नहीं मान रहे। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप मान गए कि कोरोना है? खबरों से पता चलता है, टीवी से देखते हैं, पता चलता है खबरों से कोरोना है, ये बात गलत है कि नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं उनकी वजह से ये फैला हुआ है, वो अलग बात है। पाकिस्तानी कौम का इम्यून सिस्टम जो है ना वो पावरफुल है, इस वजह से इतना वो हालात नहीं जो इटली में हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो छींक भी रहा है और उसने मास्क नहीं पहना, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम उसको अंदर नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, हम कुछ एक सर्वे कर रहे हैं और आम आवाम का रुझान भी देख रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, कोरोना है या नहीं। तो ये भी मिला जुला रुझान जो है मुझे मिल रहा है, बास लोगों में मीडिया की वजह से, हम जैसे लोगों की वजह से अवेयरनेस है। बहरहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने मुतादिद बाज़ारों का रुख किया, जिसमें इस्लामपुरा, इसरा बाज़ार, इसके अलावा हाल रोड, माल रोड भी शामिल थे। वहाँ क्या कंडीशन थी, हमने लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया, ज़रा सिचुएशन देखिए और फिर वापस आइए, हम अपने नुमाइंदे से इस पर बात करेंगे। यहाँ पे टिकट बिकती है जनाब? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या सूरत हाल है, जो कोरोना वायरस चल रहा है तो आपकी बस सर्विस की क्या सूरत है, कौन सी बस सर्विस है ये?
ये लाहौर से तेमरगरा अदीर स्वाद के लिए जाती है इधर से। बलाई इलाकों में? हाँ जी। बलाई इलाकों में जाने का रुझान जो है अभी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है या कम? कम है, नहीं है, सवारी नहीं है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं पहना, पूछ लेते हैं कि आपका मास्क। सलाम अलैकुम जी। ड्राइवर हैं? जी कंडक्टर हूँ। कंडक्टर हैं। मास्क नहीं पहना सर? मैंने खाना खाया इसलिए उतारा है, मास्क रखे हुए गाड़ी में भी रखे हुए। दो सेकंड लगते हैं, कोरोना आपको लग जाएगा, फिर क्या करेंगे? अल्लाह पाक बेहतर करे। आपका मास्क नहीं ना आ रही, बेहतरी नहीं ना आ रही, बेहतरी आएगी तो कारोबार सिलसिले चलन गए। मास्क कहाँ है आपका? मास्क मेरे को जेब से। पहन ले सर, पहन ले इसको, चले। गुड। जरा कैमरामैन दिखा दें, मुलाजमीन की कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर। छुट्टियाँ क्यों नहीं दे रहे, एक एक को क्यों नहीं बुला रहे? अगर कस्टमर नहीं है तो इतना तो आप कर सकते हैं कि ये बेचारे ये घरों में रहें, एक आए एक जाए। अच्छा ये ना दुकानों को जरूर दिखाएं आप, आपको ज्यादातर दुकानों पे यहाँ पे मार्केट में चलते फिरते एजेंट भी मौजूद हैं जो कस्टमर लेके आते हैं जिनका अपना कोई अड्डा नहीं है। मास्क नहीं पहना भाई? अंदर रखा हुआ। अंदर रख दिए तो कोरोना हो गया तो कोई बात नहीं, ये बहुत एटीट्यूड ये खतरनाक है। आपने अगर काम करना है ना मार्केटों में तो मास्क पहनना और एहतियात करनी है, ये नहीं कोई बात नहीं है। आप ये देखें कि यहाँ पर जो रश है इससे कोरोना कंट्रोल कैसे होगा, और जो हुकूमत है अगर दुकानदारों के साथ तावुन भी करती है कि इनके कारोबार चले और इनकी माली मुआवनत हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि माली मुआवनत हो जाए लेकिन कोरोना जो है वो इनको मुतासिर ना करे? आप खुद परेशान हो गए हैं दुकानदारों का ये रवैया देख। कैमरा इधर ले जाए, जहाँ पे कमी है वो दूर करते हैं, जहाँ मास्क पहना हुआ वो दिखाए, कैमरे की आंख से दिखाए। अब हमारे पीछे ही यहाँ पर अकब में रश देख लीजिए, ये दुकानदार हमारे साथ है सर, 10,000 केसेस हो गए, क्या कहेंगे? तो नाज़रीन आपने सूरत हाल देखी, इस वक्त हमें सबील हसन हमें हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। सभी अस्सलाम वालेकुम, बाजार में हम मौजूद हैं और आप कवर कर रहे हैं इस पेंडामिक को। आप ये बताइए कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि कोरोना एक्चुअली में है, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आइए जरा चलते हैं। देखें मरिया, सबसे पहले तो बात यह कि ये वो ताजिर हैं जिन्होंने लॉकडाउन की सूरत हाल में हुकूमत से एक सख्त किस्म की नेगोशिएशन की, और उस नेगोशिएशन के नतीजे में हुकूमत ने ये कारोबार के मराकज़ जो हैं वो खोल दिए। लेकिन अब सबसे बड़ी जो अव्वलीन तरजीह में शामिल थी वो ये दुकानदार थे जिनका काम था कि हुकूमत के तयशुदा SOPs को फॉलो करें, उनकी पाबंदी करें। लेकिन अगर अभी आप यहाँ से कैमरा बंद करते हैं तो सारे के सारे फेस मास्क उतर जाएंगे यहाँ से, ये फेस मास्क सिर्फ कैमरे की आँख को दिखाने के लिए। ना तो कोई शख्स अपने कारोबार के मुनाफे को छोड़कर कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि दुकान में किसी को एंटर ना होने दिया जाए कि जी फेस मास्क नहीं पहना हुआ। हमने यहाँ पर सुबह से कवरेज की यहाँ पे, और हमने ये बार बार दिखाया कि यहाँ पर लोगों ने मुतादिद जो दुकानदार हैं उन्होंने फेस मास्क ही नहीं पहने। अच्छा दूसरी चीज़ इसमें इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया का काम था कि उन्होंने यहाँ पर छापे मारने थे, उन्होंने दुकानदारों को पाबंद करना था कि यहाँ पर आके दुकानदारों को चेक निकल रहे। देखें अब ये देखें, ये आपको कैमरा दिखाएंगे आप तो आप फौरन मास्क निकल आएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दुकानदार खुद संजीदगी से इन तमाम मैटर्स को नहीं देख रहे। जबकि अगर बात की जाए ग्राहकों की तो ग्राहक हमें कुछ बाशऊर ग्राहक जो हैं वो हमें यहाँ पर संजीदा नज़र आए हैं। उसके बरक्स अगर देखें तो इंतजामिया का कोई बंदा नज़र नहीं आएगा, कोई छापेमार टीम नहीं होगी, ज़िला इंतजामिया की कोई टीम नहीं है कि वो यहाँ पर आएँ और आके चेक करें कि दुकानदारों को फ़ाइन किया जाए जिसका उन्होंने वादा किया। ये मुतअद्दिद मरतबा शिकायत मिली है कि ज़िला इंतजामिया जो है वो कहीं नज़र नहीं आती है, कुछ बच्चे हैं पीछे। जरा बेटा आपसे बात कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से, समनाबाद से। समनाबाद से। कोरोना है या नहीं? कोरोना नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, नबी पाक की उम्मत ही हैं हम, ठीक है ना। अगर 5 वक्त हम नमाज पढ़े, वजू रखे ना, तो कोई मर्ज भी नहीं आ सकता, ऐसा है कि नहीं? लेकिन मैडम ये जो इतने लोग मर गए पूरी दुनिया में, लाखों की तादाद में, 5 लाख से भी ज़्यादा तादाद हो गई पूरी दुनिया में, वो क्यों मर गए फिर? ये नहीं समझ आ रही। वैसे हमारी पूरे खानदान में मैंने नहीं किसी को कोरोना होते हुए देखा। नहीं एक सॉलिड रीज़न तो दीजिए ना, आपने कहा कि कोरोना नहीं है, बाकी जो आपने बातें की, हम उम्मत ही हैं, मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम कलमे पर यकीन रखते हैं, आखिरी नबी पर यकीन रखते हैं, वबाएँ जो हैं वो हकीकत हैं और वो हमारे नबी के दौर में भी आई हैं, तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि कोरोना नहीं है? बस मैंने देखा नहीं है ना किसी मरीज को कोरोना में। हाँ जी लेकिन ये आप इसको माने, क्योंकि हमारे नबी ने भी कहा कि जब कोई वबा फूट पड़े जहाँ हैं वहीं रहें, जिस शहर में हैं वहीं रहें, तो आप उनकी बात मानिए, अपने आका की बात मानिए। जी बिल्कुल सही बात है। और बेटे को बचाइए, उसको मास्क पहनाइए।
अच्छा जी ठीक है, जजाक अल्लाह, ठीक है जी बहुत शुक्रिया। आप प्लीज मास्क ले लें, वहाँ से 10 रुपए का आपको मिल जाएगा। 30 रुपए तक कह दें, 30 का ले लें, जान बचाएं प्लीज। चलें, ये आपने देखा, कन्विंस तो किया मैंने उनको। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ इसका दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर हम देखें ना, तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो छोटे सेल्समैन हैं, एक तो चाइल्ड लेबर है, उससे अगर हट जाए तो एक तो वो खुद दुकानदार उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे कि जो बच्चे उन्होंने हायर किए हैं दुकानों में उनको इम्प्लीमेंट, वो छोटे छोटे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादातर ख़राब होता है, छोटे बच्चों का और बुज़ुर्गों का, तो इन चीज़ों के लिए जिसके खास तौर पर कहा जाता है कि बच्चों को घरों से बाहर ना निकाले, लेकिन ऐसे सेल्समैन भी हैं जो कि बच्चे उनको भी मास्क नहीं पहनाया जाता। यहाँ पर आप इसी तरह दुकान इसी तरह बाजारों में चलते जाएं और आपको बाजार की यही सूरत हाल नजर आएगी कि आपको देखते साथ ही, कैमरे को देखते साथ ही फेस मास्क जो है वो मुंह पे आ जाएंगे, लेकिन उसके फौरन बाद ये फेस मास्क उतर जाएंगे। इस तरह जिस तरह शायद हमने इनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट करवाना, लेकिन हमने नहीं करवाना। कोरोना है, कोरोना है, बिल्कुल है, अभी बताए ना कोरोना कैसे, आप कह रही हैं वो कह रही एग्जिस्ट, वो पूछ रहे हैं कोरोना एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बिल्कुल हाँ है, करता है, वो हमारे मार्क से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि करता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलें, कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कोरोना है। देखें ये बहुत कम तादाद है, अभी तक जो लोग यहाँ पर मिलते हैं ना वो यही कहते हैं कोरोना शोना जैसी कोई शोना के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी ऐसी कोई चीज़ ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, जिसकी की वजह से वो एहतियात नहीं करते। ये देखें यहाँ पर ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, बहुत शुक्रिया अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। मैं कुछ और मजीद लोगों से बात करूँगी और फिर हम ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कोरोना है मेरे ख्याल से जी। मास्क तो पहन लें। मैं भूल गया था घर जी। बीमार हो के चले गए घर तो फिर अल्लाह है ना। है बेटा अल्लाह तो है, लेकिन खुद से एहतियात भी बहुत ज़रूरी होती है जी। बिल्कुल, इम्तिहान में आप अपना सबक याद करके जाएंगे तो फिर ही पास होंगे जी। बिल्कुल, चलें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बच्चे आप लोग कहाँ पे घूम रहे हो? इधर ही आया बस। मास्क कहाँ है आपका? बकर मंडी। बकर मंडी मास्क भूल आए हो। अच्छा, आप लोगों के मास्क भाई कहाँ है? लेने भेजा। आप लोगों को दुकानें खोलने की इजाज़त कुछ शराइत पे मिली थी, वो शराइत अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो फिर आपके कारोबार को नुकसान होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोरोना है? पता नहीं, नहीं है कोरोना, नहीं है, नहीं है। एक मजीद दुकान पे हम दुकानदार से बात करेंगे और फिर हम इजाज़त चाहेंगे। भाई कोरोना है? जी बिल्कुल है। यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार कह रहे हैं कोरोना तो है ही नहीं, आपको क्यों लगता है कि कोरोना है? हॉस्पिटल्स पे गौर करें तो कोरोना तो लाजमी है, सारी दुनिया में है। हाँ जी, तो जो नहीं मानते उनको क्या किया जाए उनके साथ? उनको चाहिए एहतियात करें, ज़रूरी है। बाकी कोरोना का इलाज लॉकडाउन नहीं है, हुकूमत को भी चाहिए कि हमें पूरा रिलीफ दे। नाज़रीन टॉप स्टोरी आपने देखी है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, हमने इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी प्रोग्राम में शामिल होंगी, इसके अलावा UHS के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अकरम भी इसमें शामिल होंगे और मुतादित एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जरा कल जो रिपोर्ट लीक हुई है या सामने आई है इसके ऊपर हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है, और एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम साहब। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कल तो थरथली मच गई, टांगे कांपने लग गई है पूरे लाहौर की, और जो होशरुबा इंकशाफ हुआ है ये क्या है, ये सच है या फिर ये मफरूजा है? हम इसके बारे में कैसे जो है वो सच सामने ला सकते हैं और आवाम को बता सकते हैं कि सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने कहा कि वाकया ही एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, क्योंकि लोगों में एकदम खौफ व हरास फैला है और बहुत ही ज़्यादा इसने, क्योंकि ऑलरेडी लोग बेचारे इस वक्त बहुत खौफ में मुब्तला हैं और उसको मज़ीद उनकी उनको मफलूज कर दिया गया है ज़हनी तौर पर। तो ये जो रिपोर्ट जितनी मैंने मुतालिया की है और आपके चैनल के ज़रिए ही मुतालिया की है, मेरे ऐसे तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इसमें साइंसी बुनियादों पे अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हैं। ये जो इसको स्टडी की गई जिसको
एक ही लाइन में कहा गया कि ये रैंडमाइज्ड टारगेटेड सैंपलिंग है। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि अगर ये कोई मेरा स्टूडेंट फोर्थ ईयर का, ये मेडिकल स्टूडेंट अगर ये चीज़ लिखेगा तो वो मैं उसको बिल्कुल फेल कर दूँगा। जी हाँ, उसकी वजह ये है कि देखें, रैंडमाइज्ड एक बिल्कुल और चीज़ है, टारगेटेड बिल्कुल और चीज़ है। ठीक है, ये दो बिल्कुल फ़र्क चीज़ें हैं, ये बिल्कुल अपोजिंग चीज़ें हैं एक दूसरे को। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि बाहर रोशनी है, तो ये यही है, मैं कहूँ कि इस वक्त रोशनी भी है और अंधेरा भी है। ये रिपोर्ट थ्रू प्रॉपर चैनल आई, इसे अनाउंस किया गया, ये एक्सपर्ट की टीम ने कंडक्ट की है, क्या ये लीक हुई है? मुझे ये पता नहीं है, मुझे तो ये इस बात का तो नहीं पता, लेकिन जो जितनी मैंने पढ़ी, मैं तो इस पे इसके डिज़ाइन पे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि रैंडमाइजेशन क्या होगी। रैंडमाइजेशन ये होगी कि वो नुमाइंदगी कर रही है लाहौर के लोगों की, के ठीक है, इसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन। और ये इसका एक प्रोसेस है रैंडमाइजेशन का, हम रोज़ करते हैं। हमारे बायोस्टेटिस्टिशियन से मिलके हम कहते हैं कि अगर हम, मैंने लाहौर में बताना हो कि कोरोना की इस वक्त शरह पॉपुलेशन में कितनी है, 5% है, 10% है, तो उसकी मैं एक डिज़ाइन करूँगा और वो डिज़ाइन में मुझे पता लगेगा कि मेरे पास कितना सैंपल होगा, तो मैं ये कह सकूँगा। ठीक है, और वो सैंपल ट्रू नुमाइंदगी होगी, ये नहीं कि गुलबर्ग के लोगों का हो और मैं शदरे के लोगों को, स्लम्स के झुग्गियों को छोड़ दूँ। तो मुझे एक ऐसा ट्रिजेक्टरी बनानी पड़ेगी कि जो तमाम रूरल, अर्बन, सब अर्बन एरियाज, रिच पुअर, सोशल क्लासेस को इंक्लूड करे। फॉर एग्जांपल, मैंने स्टडी की अभी रिसेंटली की, नॉट कोरोना और कुछ, मैंने मस्जिद को लिया सेंटर पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगली गया, हर पांचवें घर में गया और उनके ब्लड टेस्ट किए, उनका सारा कुछ किया, फिर पांच को छोड़ के फिर गया। तो ये कंप्यूटर जनरेट करता है। एक और तरीका है कि मैंने इस तरह एक स्प्रिंकल कर दिया पॉपुलेशन को, जहाँ पे वो कंप्यूटर ने स्प्रिंकल भेजा उन घरों को। अच्छा, टारगेटेड, ये जो मुझे समझ लगी है कि ये टारगेटेड सैंपलिंग हुई है। टारगेटेड सैंपलिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि आप टारगेट करते हैं कि आपने ये सैंपलिंग उनमें करनी है जो जिनके फैमिली में किसी को कोरोना हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई गवाला था या जिसका मतलब हाई वल्नरेबिलिटी थी या कोई बारबर था या इस किस्म का हुआ है। तो जब तक हमारे सामने ये चीज़ का फैसला होना बहुत ज़रूरी है, क्या ये रैंडमाइज सैंपलिंग थी, जो मुझे अभी तक इसकी जिस कदर समझ लगी है, क्योंकि ऑफिशियली तो जाहिर है आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट और मुझे इसका नहीं है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर भी मौजूद हैं, सजाद काफी साहब, आपको भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये रिपोर्ट क्या है, इसमें शामिल कौन लोग थे? मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद अकरम साहब, ये कहते हैं मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, तो ये रिपोर्ट क्या है, कौन लोग इसका हिस्सा हैं? जी मदीहा, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा रिपोर्ट कल लीक हुई है, बल्कि जारी तो 15 रोज़ पहले ही इसको जो है वो कैबिनेट में पेश करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई इसमें तजाद पाया गया कि राय मुत्तफिक नहीं थी कि इस रिपोर्ट को पेश किया जाए, वज़ीर आला को या ना किया जाए, लिहाजा इस रिपोर्ट को रोक लिया गया था। चीफ सेक्रेटरी, मेरे इलम में जो है वो चीफ सेक्रेटरी रजामंद नहीं थे कि सेक्रेटरी ये रिपोर्ट पेश करे और पढ़ के सुनाए, इस तरह लाहौर के अंदर पैनिक फैलेगा। अब इस रिपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो तादाद का है कि 6,70,800 पेशेंट की जो है वो तखमीना लगाया गया कि लाहौर के अंदर मौजूद है। मैं उनकी सैंपलिंग और सारी चीज़ों पे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मुझे एक इतराज़ है इस पे कि इस रिपोर्ट के अंदर जो है मरीज़ों की तादाद कम बताई गई है। क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरा एक तजर्बा है कि ये रिपोर्ट लाहौर के अंदर अगर 6% पेशेंट बताए गए हैं कि कोरोना के जो हैं वो मौजूद हैं, जो एसिप्टोमेटिक हैं, जिनकी बड़ी तादाद, तो मैं समझता हूँ मौजूदा सूरत हाल में ये तादाद तो को तकरीबन एक माह पहले ही बन चुकी थी। अब मौजूदा सूरत हाल में रिपोर्ट को भी 15 दिन हो गए, मैं समझता हूँ कि 15 दिनों में हमने ईद और ईद में होने वाला बाजारों का रश भी देखा है, और उस रश की ये सैंपलिंग नहीं हुई, ना उस वक्त ये स्मार्ट सैंपलिंग हुई थी और ना उस वक्त ये रिपोर्ट जारी हुई थी, ना तैयार हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर देखा जाए, अगर इसको डबल भी किया जाए तो उससे भी ज़्यादा ट्रिपल की तोक्को की जानी चाहिए। 14 लाख से ज़ायद आप अगर अब समझे तो मैं समझता हूँ कि पेशेंट मौजूद हैं लाहौर के अंदर, और आपकी ये खुशकिस्मती है कि एसिप्टोमेटिक। अभी आपने मेरे ख्याल में ये एक दो दिन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि हॉस्पिटलों के अंदर, ICU के अंदर बेड ख़त्म हो चुके हैं और जो मरीज़
आ रहा है वो क्रिटिकल आ रहा है ज्यादातर, क्योंकि आपके होम आइसोलेशन कानून के बाद जो मरीज हॉस्पिटल में जा रहा है वो तो ऐसा ही जाएगा जिसकी हालत खराब है, वरना जिसकी हालत ठीक है वो एसिप्टोमेटिक है, वो घर के अंदर होम आइसोलेट हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल में जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये भी बात साबित की गई है कि उन्होंने टाउन्स वाइज इसका जो है सर्वे किया है, सैंपलिंग किया है, उसमें सबसे ज्यादा जो ये बताया गया कि ये गरीबों के अंदर मौजूद है कोरोना, और उसमें सबसे ज्यादा जो नंबर आया वो वाघा टाउन का आया, उसमें 14.7 तक की जो है सैंपलिंग आई है सामने। तो इससे मुराद है कि वो ये कहा, गरीब से मुराद यहाँ पे ये ज़्यादा लिया जा रहा है कि वो लोग जो अभी तक कोरोना को मानने के लिए तैयार नहीं है, देहातों के अंदर ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना कोरोना नाम की चीज़ पे कोई तबसरा होता है, सिर्फ मजाक ही होता है। और उसमें कार्मी साहब, जो आपने अभी तक बात की है और नाज़रीन तक हमने वो पहुँचाई है, कल की आने वाली रिपोर्ट में जो अलार्मिंग सिचुएशन थी उसके बाद जो आपकी बात हमने सुनी है उससे तो टांगे थर थर कांपनी चाहिए। इस सूरत हाल के बाद हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की सूरत हाल क्या हो सकती है, और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मुतादिल लोग हमारे जानने वालों में, एक्वेंटेंसेस में, इसके अलावा फ्रेंड जोन में, कॉलीग जोन में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त बीमार हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम आम है, बुखार जो है वो आम है, उनको पता नहीं है कि हमने कोरोना का टेस्ट करवाना है या घर में पैनाडोल लेनी है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो रही है। ये तो बच्चे हमें इसी हकीकत से पता चल गया कि आपने दो मास्क पहने हुए हैं डर के, और आप शो में भी नहीं उतार रही, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें आवाम को देखें सही पिक्चर देनी चाहिए, वो अच्छी हो या बुरी हो। और मैं अगर आप 25-26 रमज़ान का प्रोग्राम देखें जो मैंने और काज़मी साहब ने आपके मॉर्निंग शो में किया था आपके ऑफिस में, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि जो वायलेट हुए हैं SOPs, जो जैसी जिसका आपने इशारा किया इछरा में और नारकली में, कि एक बच्चे को नई जूती से ईद करने के लिए कई जाने ले ली गई, ठीक है, और आइसक्रीम खाने के बहाने हमने कई जाने आज ले ली। तो उस वक़्त मैंने एक बात कही थी और वो मौजूद है रिकॉर्ड पर, मैंने कहा था ये अब आज जो हो रहा है ना इसका खुमियाजा हम कोई 10 से 15 दिन के बीच में आएंगे, और एग्जैक्टली वो हो रहा है, इस ट्रांसमिशन जो उस वक्त हुई है। अब मेरा ख्याल है आवाम को थोड़ी सी रिलीफ भी हमें देनी चाहिए, हमने एक बहुत टेंशन दे दी। तो जो मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो मेरा एक परसेप्शन है, और आई मे बी रॉन्ग, वो ये है क्योंकि ये जो आज हम केसेस में जो इजाफा देख रहे हैं, जो आदमी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कई गुना हुआ है ईद से बाद जो अब हुआ है, और वो उस वजह से हुआ है कि जब उस वक्त, आज हालात थोड़े से फ़र्क हो चुके हैं, आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपकी मीडिया की वजह से, कुछ हमारी बात करने की वजह से, कुछ जनाजे उठने की वजह से, कुछ घर घर मुसीबत पड़ने की वजह से लोग थोड़ा सा केयरफुल हुए हैं, जैसे आप खुद हुई हैं, और हुआ ये है कि अब इस वक्त दुकानें तो खुली हैं लेकिन गाहक कोई नहीं है, क्योंकि एक तो पैसा भी ख़त्म हो गया, ईद पे उड़ा दिया गया, और दूसरा लोग थोड़ा सा खौफ में भी हैं अननेसेसरी बाय। हुकूमती पॉलिसी का ज़रूर बताइएगा कि हॉस्पिटल में अभी सूरत हाल क्या है, और उस बात के पेश नज़र हुकूमत ने क्या अपनी पॉलिसी अपडेट की। देखें तो इसमें मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ट्रांसमिशन अब कदरे ईद से पहले से कम हुई है, तो होपफुली ये जो ईद की सर्ज आई थी ना, होपफुली दिस विल नाउ वीर ऑफ, तो हम स्टेबलाइज किसी हद तक हो जाएंगे। जहाँ तक हॉस्पिटल की सूरत है, जैसे काज़मी साहब मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं, क्योंकि जाहिर है मैं डायरेक्टली तो गुजरांवाला का हॉस्पिटल देख रहा हूँ, वहाँ पे अभी कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट हॉस्पिटल है, और वहाँ हमने एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स भी भिजवाए हैं जो हमें हुकूमत ने भी दिए और हमें और डोनर्स ने भी दिए। डोनर्स ने दिए, पॉइंट टू बी नोटेड, हुकूमत ने दिए, हुकूमत ने तो जो पहले दिए हुए थे, लेकिन हमने खुद भी देखें, हमें इस वक्त कोई हर्ज नहीं कि हम हॉस्पिटल्स खुद डोनर ड्रिवन लें और डोनर्स भी आगे आएँ, कोई भी हुकूमत इस वबा का अकेले नहीं कर सकती, हमें मिलजुल के एज ए मिन हासिल कौम इसको फेस करना है, और ये दुआ करनी है कि वेंटिलेटर पे ना जाएं। वेंटिलेटर क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं आपसे, अभी जो लोग बीमार हैं और उनको बुखार या फिर हेडेक है तो वो क्या करें, फौरी तौर पर कोरोना का टेस्ट करवा लें या फिर वो सब्र कर लें, क्योंकि जो सलमान ताहिर डॉक्टर, यंग डॉक्टर जिनकी डेथ हुई है, उनकी वालिदा ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने अपील की है कि जो सिम्पटम्स अगर बुखार के हों तो उसका फौरी तौर पर पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाए, गर्दन तोड़ बुखार, टाइफाइड, मलेरिया या फिर नमूनिया, इसका इसको साइड पर रखा जाए। देखें बच्चे, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने चंद दिन पहले
ऑलमोस्ट जो सैम्पलिंग है वो अबंडन कर दी है। मेरी गुजारिश आपके ज़रिए ये होगी तमाम भाइयों बहनों से बच्चों से के बुज़ुर्गों से ख़ासकर कि अगर उनमें अलामात हैं, सर दर्द है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बलगम है, जिस्म में दर्द है, वो ये प्रज्यूम कर लें कि इस वक्त वो इस पेंडेमिक की वजह से कोरोना में मुबतला हैं, वो अपने आप को घर पे आइसोलेट कर लें, कोई जल्दी ना करें टेस्ट कराने की, आराम से करा लें, जब अपने घर में उनके कोई आके कर जाए टेस्ट करा लें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जहाँ मैं खड़ा हूँ ये फ्री प्रोवाइड कर रही है टेस्टिंग RT-PCR की, और मेरा ये ख्याल है कि जो हम कह रहे थे कि उसके बाद दो सैंपल नेगेटिव हों तो फिर आप वापस मार 12 दिन आप क्वारंटाइन कर लें, ये UK की अब गाइडलाइंस हैं। वो सेकंड कभी भी नहीं कर रहे RT-PCR, वो कहते हैं कि अब ये देखें ये लेबॉरेटरियों के टेस्ट बहुत महंगे हैं, प्लीज़ ये बोझ ना डालें आवाम पे, जब 12 दिन के बाद वो इन्फेक्टिव नहीं रह जाते वो अपने कामों पे वापस चले जाएं। ये 12 दिन की एहतियात है अलामात के सिलसिले में करें। नहीं, एक रिसर्च जो आई है उसमें अमेरिका के अंदर सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट किया जा रहा है पेशेंट का, ये कन्फर्म किया जा रहा है कि डॉक्टर इतना तजर्बा हो गया कि अगर एक दफ़ा पॉजिटिव आ गया तो 10 दिन बाद उसका नेगेटिव का टेस्ट नहीं कराना, उसे डिस्चार्ज कर देना है। अगर घर में है तो उसे ऑफिस जाने की इजाज़त है, अगर हॉस्पिटल में है तो उसको घर जाने की इजाज़त है। कोई नेगेटिव, दो नेगेटिव, ये हमारा पता नहीं कहाँ की रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे पंजाब एडवाइजरी ग्रुप और पंजाब गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही। कम से कम रिसर्च रोजाना प्रिंट ले लिया करें तो इनको पता चल जाए कि पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। एसिम्प्टोमेटिक इस वक्त जिसको कोरोना है उससे नहीं खतरा, जो हॉस्पिटल में दाखिल है या घर में आइसोलेट, खतरा उससे है जो आप में, मुझ में, प्रोफेसर साहब हैं और ये सारे हैं, इनमें से पता नहीं किसको कौन ये सिम्प्टोमेटिक है। ये 80-85% ये लोग हैं जो आगे फैला रहे हैं और ख़तरा सारा इनसे ही है। जिसका आपको पता चल गया कोरोना उसको तो दूर तक डॉक्टर उसके पास नहीं जाता तो आवाम कैसे जाएगी। मसला ये कि खतरा यही है कि ये लोग हैं, ये वही 670,000 तादाद बताएगी, और जब ये इन्होंने 670,000 की रिपोर्ट बनाई है उस वक्त भी इन्होंने हाथ खींचा है। करें जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको कोई अलामत नहीं है और वो अपना इलाज भी नहीं करवा रहे और क्योंकि उन्हें पता नहीं है, वो लोग क्या करें? देखें बच्चे, यही करें जो हमने बार बार कह रहे हैं कि जो आपने किया हुआ है, दो मास्क लगाए हुए हैं, कम से कम वो एक तो लगाएं। मास्क के बगैर हमने आपके प्रोग्राम के लिए उतारा है, वरना ये था ठीक है, अपना बदनमाश चेहरा दिखाने के लिए मैंने और कादमी साहब ने खूबसूरत चेहरा आपने डांप लिया, चलें अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं किसी को अंदर अपने दफ्तर में ना आने दूँ, किसी को यूनिवर्सिटी ना आने दूँ, आप किसी को चैनल के दफ्तर में बैन कर दें आना बगैर मास्क के, आप तनख्वाह ना दें किसी को, हम सर्विस नहीं प्रोवाइड करें, दुकानदार हैं हम, जो भी हैं हम मास्क के बगैर, ये एक हमारे समझ लें कि एक फ़र्ज़ ऐन बन गया है हमारे पे अपनी प्रोटेक्शन और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, जो सबसे आसान है। दूसरा, आप अपने हाथ बार बार धोएं, आपने ग्लव्स पहने हैं अच्छा है, लेकिन इस ग्लव्स को फिर बदलना पड़ेगा आपको, वरना कम से कम आप हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज़र करें। हम एक मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, बहुत अच्छा किया है, ये मेंटेन करें, और इसी से आप हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखेंगे ये कैरियर हो सकता है, जो इन्होंने कहा है कि मैं भी हो सकता हूँ, इसीलिए आपने इतना फ़र्क रखा है, बहुत अच्छा है। अब एक काम और करें कि ये जब आपका जो है ये जो माइक है ये मेरे अगर हाथ में आता है तो वापस आपके हाथ में जाएगा, तो इसको डिसैनिटाइज करके करें। तो मेरी अर्ज़ ये है कि जो मैं अब कह रहा हूँ, और काजमी साहब भी मेरे से इत्तफाक कर गए हैं और इनका बहुत शुक्रिया, बहुत कम इत्तफाक करते हैं, कि जो भी गवर्नमेंट है इसको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए टेस्टिंग की। टेस्टिंग बहुत महंगा सौदा है, लोग बेचारे आगे ही गरीब हैं और 5-6-7-8 हज़ार तक टेस्ट वाले पैसे ले रहे हैं। खुदारा टेस्टों के पीछे नहीं भागें, अपना घर पे आइसोलेट हो जाएं। अगर आपकी अलामत बढ़ती हैं, सांस की तकलीफ़ होती है, तो हॉस्पिटल जाएं, जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं। गवर्नमेंट को इस वक्त जो करना चाहिए वो वेंटिलेटर पे जो खर्चा आता है उसको कैलकुलेट करे, 10% प्रॉफिट पे नोटिफाई कर दे। अगर चीनी और मैदे का किया जा सकता है तो ये ज़रूरी है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि टेस्ट कितना खर्चा आता है, ताकि ये प्राइस रेगुलेशन आ जाए, ताकि इससे ज़्यादा कोई चार्ज ना कर सके। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन और हमें रिपोर्ट्स जो हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट से मिल चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमने कल आने वाली रिपोर्ट के ऊपर तबसरा किया है, उसमें कितनी सदाकत है, और आज इन दोनों इंटरव्यूज से ये बात आपके सामने आई है कि उसमें तो
कम फिगर्स दिए गए हैं, एक्चुअल फिगर्स तो उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप मास्क पहने, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं तो आप अपने घर वालों के लिए ख़तरा हो सकते हैं। तो जहाँ जाए मास्क पहने। मैं डेली काम पर आती हूँ, अपनी जॉब करती हूँ और मुतादिद इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हूँ, तो मैं डबल मास्क और ग्लव्स पहन रही हूँ ताकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी अपने तौर पर तो सर अंजाम दे सकूँ। तो आप भी अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए एक ब्रेक की, दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सूबाई वजीर सेहत हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैडम, आपकी खुद की तबीयत कैसी है? मैं खैरियत से जी, बिल्कुल ठीक। इस तरह सर्वाइव कर रही हैं। कल की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 7 लाख के करीब सिर्फ शहर लाहौर में कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ये क्या था, ये कल की रिपोर्ट क्या थी? सबसे बड़ी बात, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें, दिस इज़ अ प्रोजेक्टेड रिपोर्ट। हमने जब सैम्पलिंग की तकरीबन 21,000 लोगों की लाहौर के अंदर, तो जो रैंडम सैम्पलिंग बाकायदा प्लान आउट, उसमें 5.8% का वो इन्फेक्टिविटी शो की। तो अब आपकी अगर आबादी 1,01,10,00,000 की है तो ये एक एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर होती है। साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं जी अगर ये है तो हमारा अंदाज़ा ये है कि इतने लोग शायद कैरियर्स हों, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, जिसके बारे में चांसेस तो हो सकते हैं। अब आप देखिए जो तफ्तान से लोग आए थे उनमें से 92% को तो कोई सिम्टम ही नहीं था, तो अगर वो हम चेक ना करते तो किसी को क्या पता चलना था, वो सारे कम्युनिटी में चले जाते। तो अब हम इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करें, एनी पर्सन कमिंग इन विद सिम्टम्स उसका टेस्ट हो और फिर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इस वक्त पंजाब ने सबसे बड़ी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, 90,000 से ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट की, जो कॉन्टैक्ट से उनको ट्रेस किया और तकरीबन उसमें से 4,800 बंदे जो हैं पॉजिटिव निकले। और उन लोगों को फिर देखें ना, जब एक दफ़ा पॉजिटिव निकला है तो फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। इसीलिए इस वक्त हमारी पूरा इसरार है लोगों के साथ कि खुदा के लिए आप हिफाजती तदाबीरें अख्तियार करें, मेहरबानी करके अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करें। और एक मास्क पहनना या हाथ धोना, वो कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो आपको बता दिए? डॉक्टर साहिबा, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि कल की जो साइंटिफिक बुनियादों पर आने वाली रिपोर्ट है उसको आप एक्सेप्ट कर चुकी हैं। ये बताइए कि एक्सेप्टेंस के बाद तैयारी कैसी है? जब हमने ये रिपोर्ट आ गई थी तो हमें ये शक था कि लाहौर के अंदर तादाद मरीजों की बढ़ जाएगी। आपके सामने अभी हमने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक्चुअल पोजीशन बताई और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि दैट प्रोजेक्शन विच वाज गिवन, इवन इफ इट वाज गिवन, हमारे पास नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स बहुत कम है। अभी भी 60% बेड्स की कैपेसिटी है। हमारे पास इस वक्त भी लाहौर के अंदर 1800 बेड्स हैं जो हमने सिर्फ कोविड के लिए रखे। हमारे पास अब भी सारी, हम उसके बावजूद तैयारियाँ कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर के ऊपर हम बाकायदा हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी बना रहे हैं। वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि ये सिचुएशन जो है कंट्रोल में, अभी कंट्रोल में है, लेकिन अगर लोगों ने एहतियात ना की और परहेज ना किया तो फिर ये शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो और फिर परेशानी की बात हो। जो अब हमारे जो लोग हैं उनमें आम प्रैक्टिस मास्क की, अगर मैं कहूँ, मैं खुद का मुशाहिदा, मैं कहूँ 70% लोग अब कन्विंस हो गए हैं कि उन्होंने मास्क पहना, या उससे भी ज़्यादा फीसद लोग जो हैं वो मास्क पहनना है उन्होंने। इसके अलावा हमें अपनी कौम को सिविलाइज करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए दीगर महकमे आपके साथ किस तरह से तावुन कर रहे हैं और क्या प्लानिंग तरतीब दी जा रही है? मिनिस्टर साहब, एक बाकायदा एक बहुत बड़ा कैंपेन होने लगा है रिगार्डिंग अवेयरनेस, और मेरा ख्याल है इस वक्त जो सबसे बड़ा सबका जारी है इस वक्त हर मीडिया हाउस कर सकता है वो ये कि अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को मास्क पहने, लोगों को हाथ धो के रखें, मत हाथ मिलाएं, अपने बुज़ुर्गों को घर में रखें। ये हम सब काम करेंगे तो इंशाल्लाह 30-40% इन्फेक्शन में कमी आ जाएगी। थोड़े से दो मजीद सवाल आते हैं। मुझे पता है आपका वक्त कीमती है। कौन सा मॉडल अपनाएंगी दुनिया भर में? अभी बहुत सारे मॉडल अमेरिका में देख लें तो एक मॉडल है, यूके में देख लें एक मॉडल, पाकिस्तान का माशाल्लाह अपना ही मॉडल है, तो अल्लाह मियाँ की खास मेहरबानी है और उसकी अल्लाह ताला करे ऐसी ही मेहरबानी रहे पाकिस्तान के ऊपर। हमारे अभी भी जो सीरियस पेशेंट्स की तादाद बहुत कम है। गिव अप नहीं करेंगी कभी भी? क्यों गिव अप नहीं करेंगी? अल्लाह माफ़ रखे, ये तो बाकी कैसे हुकूमत गिव अप करेगी ऑन देयर ओन पीपल।
ये हमारे लोग हैं, हमें हर बंदा अजीज़ है। आप इस बात का सोचें कि खान साहब को कितनी तकलीफ़ है कि जो बाहर लोग बैठे हैं बेरोज़गार हो गए हैं, किस तरीके से उनको वापस लाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि अपने घर आएंगे तो चलें कम से कम अपने घर का सुकून तो होगा ना। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है, बहुत सारी सर्जरीज पेंडिंग हैं अभी और हस्पतालों में सिचुएशन बहुत ख़राब है, जो सीनियर सर्जन्स हैं अभी सर्जरी नहीं कर रहे हैं, सर्जरीज के हवाले से, दीगर शोबों के हवाले से जिनमें नाक कान गला रीढ़ की हड्डी दिमागी अमराज दीगर अमराज हैं उसके हवाले से। मेरे ख्याल इमरजेंसी सब काम कर रही हैं हमारी और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के आउटडोर भी काम कर रहे हैं, शायद इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ नहीं आ रहे, मरीज़ खुद भी डर के मारे नहीं आ रहे, लेकिन पूरी कोशिश है कि हम अपने आउटडोर्स खुले रखें और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखें लोगों के थोड़ा सा खौफ भी कम होगा और लोगों की परेशानी कम होगी और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी है इस इशू के ऊपर, कल की रिपोर्ट के ऊपर। मज़ीद एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए हमारे साथ अज़ीमुद्दीन रफ़ी साहब मौजूद हैं जो कि मेम्बर हैं PMA के। अज़ीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कल एक तहलका खेज कागजात व्हाट्सएप पर, फेसबुक, ट्विटर सब में सर्कुलेट हो गए और जो लाहौर है उसके नाम के ऊपर एक धब्बा लग गया कि यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। जिसके बाद हमें SMS मौसूल होना शुरू हुए, फ़ोन कॉल्स मौसूल होना शुरू हुई, दीगर रिश्तेदार सारे बहुत कंसर्न थे कि आप लाहौर में हैं, हिफाजत से रहें। कल की उस रिपोर्ट के बारे में आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? देखें, ये मुमकिन नहीं होता किसी भी वबाई सूरत हाल में कि आप तमाम आबादी के टेस्ट कर सकें कहीं भी जगह। ये नहीं कि पाकिस्तान के तो महदूद वसाइल हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर भी ये मुमकिन नहीं। ये जो फिगर्स हैं ये है कि एक आबादी का एक हिस्सा या मुख्तलिफ जगहों पर से कुछ लोगों को आप टेस्ट करके फिर उसको आप ज़रब तकसीम लगा के अपनी प्लानिंग के लिए ये देखते हैं कि इसमें जो डिज़ीज़ लोड है यानी बीमारी कितनी हो सकती है, तो ये उस तरह की फिगर थी। और इसमें घबराने की ज़रूरत तो वैसे भी इस वबाई सूरत हाल में है, चूँकि हमारे आवाम जो हैं वो बहुत सारे तो इसको तस्लीम ही नहीं कर रहे कि ये कोई बीमारी मौजूद है या नहीं है। हमें एहतियात का दामन हर सूरत में उसको पकड़ के रखना है, तमाम एहतियातें हमें करनी हैं। मर्ज़ चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, चाहे इसमें 5 लाख बंदे मुलव्वस हैं या उनको ये टेस्ट पॉजिटिव है, चाहे 15 लाख पॉजिटिव हैं, एहतियातें वही करनी हैं और वो ज़रूरी करनी है। इसके फैलाव को रोकने का एक ही तरीका कार है, एहतियातें, जैसे आपने मास्क पहना हुआ है, जैसे किसी के हाथ ना मिलाएं, मिलें जुलें नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपके मुताबिक अभी अस्पतालों की सूरत हाल क्या है? संगीन है, संगीन से भी ज़्यादा है? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक हॉस्पिटल्स कहीं भी ओवरलोडेड नहीं है और अल्लाह के फजल करम से ये बीमारी अभी तक पाकिस्तान में उस तरह से नहीं फैली जो कि तवक्कुआत थी कि ये एकदम फैलेगी। अभी तक इसको हम कंट्रोल्ड में कह सकते हैं, लेकिन अब जो ईद के दिन और ईद से कुछ रोज़ पहले जिस तरह से सोशल गैदरिंग्स और मिक्सिंग आपस में हुई है, तो हम ये ख्याल करते हैं कि ईद के 15 रोज़ बाद तक ये बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा फैलेगी। अभी हुकूमत ने जब से ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप अपने आप को अपने घर में आइसोलेट या क्वारंटाइन कर सकते हैं, तो लोगों ने अपने आप को खुद क्योर करने की कोशिश की है। पैनाडोल और दीगर जितने भी हरबे हैं वो लेकर वो कोशिश कर रहे हैं कि 14 दिन तक वो किसी भी हकूमती सेंटर में महसूर होकर ना रहें। तो इसकी वजह से क्या सिचुएशन बिगड़ेगी? वो केसेस जो कि 60 साल से ऊपर के अफराद हैं या जिनको मल्टीपल डिजीज़ हैं, वो अपना केस बिगाड़ के फिर हॉस्पिटल का रुख करें? जी, क्वारंटाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना चाहिए। क्वारंटाइन ये है कि आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है और आपको अभी सिम्टम्स नहीं हुए, अलामत आप में जाहिर नहीं हुई, तब तो आप अपने आप को घर पे रख सकते हैं, या थोड़ी बहुत अलामत हैं तब भी रख सकते हैं। लेकिन जो ही आपकी अलामत बढ़ती हैं, आपका बुखार बढ़ता है, आपका सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये आप ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते कि आप अपने आप को घर में रखें, फिर आपको फौरन अस्पताल में आना चाहिए और डॉक्टरों से अपना इलाज करवाना चाहिए। आपके नज़दीक अभी आपके तजुर्बे के मुताबिक ये जो केसेस हैं ये कहाँ तक जाएंगे? शहर लाहौर की सूरत हाल क्या मंजरनामा पेश करेगी? जो कि रिपोर्ट सामने आई है वो ईद से पहले की है, 15 मई की है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लोगों में आम प्रैक्टिस थी कि बाज़ार जाके ईद की शॉपिंग करनी है। अभी सूरत हाल और हकीकत, ज़मीनी हकाइक क्या हैं?
हाँ, जैसे कि मैं पहले कह चुका कि ईद से चंद रोज पहले से जब ये लॉकडाउन में नरमी आई और लोग एकदम बाहर निकले बाजारों में खरीदो फरोख्त के लिए, और उनमें बहुत ज़्यादा आपस में जो सोशल डिस्टेंसिंग का तस्वर था वो भी कुछ नहीं रहा, और मेरी मुलाकात भी और सारा कुछ बाजार भरे रहे जैसे कि आपने देखा, तो अब तवक्कोआत जो हैं इस बीमारी के बारे में वो यही हैं कि चूँकि 15 दिन इसका इनक्यूबेशन पीरियड है तो ईद से 15 रोज बाद तक ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये तवक्कोआत है, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह के बीमारी की सूरत हाल है ये हम समझते हैं कि ये 15 दिन जो हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक, दो और तीन, तीन अलामात जो कि जाहिर हो जाएं तो वी हैव टू रश टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, हम हंगामी बुनियादों पर हॉस्पिटल जाएं, वो आप आवाम को क्या तजवीज़ करेंगे वो तीन अलामात? इसमें ये है कि ये बीमारी चूँकि नई है, इसने मुख्तलिफ तरह से अपने आप को पेश किया है। अभी एक वीडियो जो वायरल हुई हुई है 4th ईयर के स्टूडेंट की, उसकी वालदा जो डॉक्टर थी उन्हीं के, उसकी जो अलामत थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं बाकी मरीजों से, हालांकि वो भी कोरोना का पेशेंट था। उसमें वायरस ने उसके जो दिमाग की झिल्लियाँ थीं वहाँ पर जाके असर किया और वो उसको मेनिनजाइटिस हो गया, जिसको हम आम जो गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। आम तौर पर यानी इस तरह के मरीज़ हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन हमें ऐसे भी मरीज़ मिले हैं जिनकी ये दिल की झिल्ली पे इसने असर किया या दिल के पट्टे पे असर किया और दिल कमज़ोर हो गया, लेकिन हमें ऐसे मरीज़ तो ज़्यादातर मिलते हैं जिनका ये फेफड़ों पर असरअंदाज होता है। और अब चूँकि ये भी तकरीबन चीज़ पक्की इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इसमें जो खून की नालियाँ हैं पूरे जिस्म की, उनकी सोजिश हो जाती है और खून उनमें जमना शुरू हो जाता है, और उसके खून के छोटे छोटे लोथड़े बनते हैं जो कि जाके फिर फेफड़ों में इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से सांस ख़राब होती है। तो सांस ख़राब होना शुरू हो जाए तो वो तो पक्की ऐसी लामत है कि आपको फौरन फिर हस्पताल चले जाना चाहिए। आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा, आपको खांसी आई जा रही है, तो फिर भी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आज एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये गुफ्तगू बहुत अलार्मिंग है। आपको पता नहीं है कि जो आपके साथ हो रहा है वो कोई और बीमारी है या फिर कोरोना है। आपने अगर इस मुश्किल घड़ी से बचना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए, एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात। मास्क खुदारा पहन लीजिए, एक नहीं दो मास्क पहने, अगर दो नहीं है तो एक मास्क तो ज़रूर पहने। घर से कम निकलें, मजबूरी है, काम पर जाना है मेरी तरह तो ही आप काम पर जाइए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान, पाइंदाबाद।